मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंजन चेन्नई से। दोस्तों मैंने अभी एक किसी का भेजा हुआ वीडियो देखा था, एक डिबेट 24 तारीख का जो कॉल और एफपीए के नाम से। दोस्तों मैंने निकम्मा कमीने झूठा ऐसे मक्खार धोखेबाज बहुत बहुत शब्द बता सकता हूँ, ऐसे आदमी बहुत देखा, लेकिन ये रावत जैसे मैंने किसी को नहीं देखा। अरे झूठ बोलो कोई बात नहीं, लेकिन जो झूठ बोलते हो ना उसका एक आधार होना चाहिए। फेडरेशन किसने बनाया, फेडरेशन के बारे में चर्चा किसने पहले किया, कहां से ये फेडरेशन की बात शुरू हुई किसी को मालूम नहीं है। सबका सैनिक संघर्ष से पहले हमने तय किया था एक कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन टाइप बनाना। ये जिस तरह ये कहता है ना हमारे छत के ऊपर सब आए थे बात किया, अरे किसको बताते हो, किसको बताते हो, तुम्हारे घर आए थे सब बात करने के लिए, शर्म नहीं आता, इतना बेशर्म हो। दोस्तों ये सच्चाई बताने का भी है ना एक टाइम आता है। सबसे पहले जो है सबसे पहले सारे संगठन को एक करने का जो है प्लान बनाया था चेन्नई से एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन, दिल्ली से पेटी अफसर राजदीप वर्मा, वारंट अफसर पवन कुमार सैनी और उनके संगठन के कुछ लोग। सबसे पहले हमारा मीटिंग हुआ था पेटी अफसर राजदीप वर्मा के दफ्तर में, वहां पे हमने काफी डिस्कस किया किस तरह हम एक कर सकते हैं लोगों को। काफी डिस्कस करने के बाद मैंने कहा कि इस तरह की जो अगर हम बनाएंगे तो सारे संगठन एक साथ जुड़ सकते हैं, तो उनको भी ये आइडिया पसंद आ गया था। तो उसी टाइम हमने प्लान यानी कि बाइलास किस तरह होना चाहिए ये सारी चीज हमने डिस्कस किया। उसके दो दिन बाद मैंने नलिन तलवार हमारे जो साबका का जो साबका की तरफ से था वो जेडब्ल्यू नलिन तलवार और हमारे पेटी अफसर संतोष कुमार सिंह जिसको एसके सिंह कहते हैं और राजदीप वर्मा पवन कुमार सैनी, हम सब एक साथ बैठ के हमने तय किया कि चलो ठीक है एक फेडरेशन बनाएंगे। उस टाइम फेडरेशन का नाम नहीं था, उस टाइम हमने यही कहा था कि एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाएंगे और फेडरल स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए करके हमने तय किया था। उसके बाद जो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और पंजाब के कुछ और लोगों से हमने बात किया और तमिलनाडु में जो भी है उनसे भी बात किया, बोला कि ठीक है जब फेडरल स्ट्रक्चर बनाना है तो बनाएंगे, लेकिन हमारे जो बेसिक फंडामेंटल हमारे मतलब डिस्कशन ये था फेडरल स्ट्रक्चर। ये बीच में कहां से ये साजन दीक्षित आ गया, नहीं साजन क्या नाम वो एडवोकेट वैष्णव वो कहां से आ गया, उसको क्या संबंध है फेडरेशन से, किसी और का संबंध नहीं है। फिर बाद में हमने सोचा कि इसके लिए जो है किसी को हम अध्यक्ष बनाएंगे, अडॉक प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, परमानेंट नहीं अडॉक। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से जो अपनी
प्रिंसिपल के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, इस करके जो है अर्जन सिंह राठौर बाहर आया, तो हम उसको अडाक प्रेसिडेंट बनाएंगे करके मैंने सुझाव मैंने दिया था। और नलिन तलवर को भी वो अच्छा लगा, क्योंकि हमने सोचा कि ये अर्जुन सिंह राठौर एक अच्छा इंसान, एक जेंटलमैन होगा करके। दोस्तों 9 अप्रैल से पहले किसी को नहीं मालूम था कि अर्जुन सिंह राठौर इसका अडाक प्रेसिडेंट बनेगा करके, किसी को मालूम नहीं था। यहाँ तक कि राजदीप वर्मा को भी नहीं मालूम था, बिस्ट ये वैष्णव या जितने भी फाउंडर मेंबर्स थे किसी को मालूम नहीं था। और उस दिन 9 अप्रैल को हमने फेडरेशन का नाम बाद में दिया था, पहले जॉइंट एक्शन कमिटी। सभी लोग उसमें अंदर घुस गए थे, जिनका कोई संगठन नहीं है वो भी आया था। फिर बाद में हमने जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शन किया, बाइलास वगैरह बनाया, बाइलास के हिसाब से जब लोगों को बुलाया तब तक सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। और अर्जुन सिंह राठौर 9 अप्रैल को भी वो बहुत बड़ा जेंटलमैन था, उन्होंने ओपनली कहा कि जिस संगठन में मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें अवसर है। तो हमने कहा कि सर एक अडाक प्रेसिडेंट बनो, सबसे पहले हम एक फाउंडेशन या बिल्डिंग का काम स्टार्ट करेंगे और 6 महीने 7 महीने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद प्रॉपर इलेक्शन रखेंगे करके हमने उसको मनाया था। यह है 9 अप्रैल का सच्चाई। ये जैसे है ना, ये नंदन सिंह रावत आज वीडियो में बता रहा है ना, फेडरेशन हमने बनाया, फेडरेशन हमारे घर में बनाया, ये आया था वो आया था। अरे शर्म नहीं आता किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कहते हुए? अभी राजदीप वर्मा, पवन कुमार सैनी जो अभी ट्रेजरर है, और ऑनलाइन में जो इलेक्शन कंडक्ट किया था वो JW, ये सारी जो है हमारे अर्जुन सिंह राठौर के साथ ही है। उनसे पूछना सच्चाई क्या है, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना कि फेडरेशन बनने के हाथ पीछे किसका हाथ है, वो तो कभी झूठ नहीं बोल सकता है ना। क्योंकि हमारे जो जितने भी हमारे बीच में बात हुआ सबका रिकॉर्डिंग उनके पास भी हमारे पास भी है, उन्हीं के दफ्तर में किया था। दोस्तों ये बात जो है 9 अप्रैल तक का बात है, यहां तक कि सुबेदार मेजर SP गोसल को पता नहीं था कि कौन अध्यक्ष बनने वाला है, सुबेदार प्रकट सिंह को पता नहीं था, किसी को भी नहीं मालूम था, सिर्फ हरपाल सिंह और JW नलिन तलवर को मालूम था कि अर्जुन सिंह राठौर आने वाले और उनको मतलब अडाक प्रेसिडेंट बनाएंगे। और जितने भी हमने जो उस दिन जो बनाया था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब से नहीं है, अलग अलग जगह से बनाया था, अलग अलग संगठन अलग अलग जगह। यह रावत कहां था उस दिन? उसके बाद कपिल ने आज भी बताया था कठुआ में क्या हुआ था। जब अर्जुन सिंह राठौर बात कर रहे थे कठुआ जाने से 10 दिन पहले, आप लोगों ने मेरे को खमा फंसा दिया, मैं रिजाइन कर रहा हूं। हमने कहा 17 तारीख को तो मीटिंग है, तो उसके बाद जो है जो भी काम करना उसके बाद करेंगे। लेकिन इन लोगों का प्री प्लान्ड किया था कि फेडरेशन से सबको बाहर निकालने का, इन्होंने ये नहीं सोचा कि सबका सैनिक संघर्ष वाले वहां पहुंचेंगे। मैं चेन्नई से मैं भी पहुंच गया था, इन लोगों ने मेल आईडी का जो फेडरेशन का मेल आईडी पासवर्ड चेंज किया था अर्जुन सिंह राठौर ने। इतना घटिया किस्म का इंसान मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतना घटिया इंसान कभी सोचा नहीं था मैं। पासवर्ड चेंज किया जो नलिन तलवर ने बनाया था, एक गुड कान मतलब इसके ऊपर फेथ रख के, पूरा फेथ था, इसलिए उसने सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का कदम नहीं उठाया था।
17 तारीख को जब ये बात हमने उठाया था, देख लेना आप वीडियो देख लो, पूरा वीडियो जो है उसमें सबके मुंह में फेविकॉल लगा हुआ था, यहां तक कि उनके लीगल एडवाइजर से लेकर सबके मुंह में फेविकॉल। नंदन सिंह रावत, किसी और को कहानी बताना कि फेडरेशन के बारे में आपका जो है ना, आगे भी मेरे से जो टेलीफोन पे बात हुआ उसके बारे में और इसका अगला भाग में सारे कच्चा चिट्टा आपका निकाल दूंगा। जिस संगठन में 10 आदमी नहीं है, कहते हो कि हम अपने आदमी नहीं भेजेंगे, अरे तू होता कौन है, तेरा औकात क्या, हम जानते हैं, अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये मैं 21 जनवरी 2024 ये फेडरेशन क्या है क्या नहीं है इसका फैसला उसी दिन पता चलेगा। और इसके साथ साथ मैं फंड्स के बारे में जो आज जिक्र हुआ इसका, और ये रावत का कहानी और इस वीडियो के पीछे क्या क्या राज है, सब अगले वीडियो में कल सुबह बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।